तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। अगर बेसिकली आप इसमें देखोगे, कहता है फॉर ए सॉलिड रॉड यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल, जो वाई की वैल्यू है वो 3.2 × 10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। डेंसिटी यहाँ पर दिया हुआ है, डेंसिटी 8 × 10^3 kg मीटर यहाँ से क्यूब दिया हुआ है। तो वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ द वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव इन द रॉड, मतलब इस रॉड में जो है वो लॉन्गिट्यूडनल जो वेव है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसे जो प्रोपोगेट हो रही है, तो उस लॉन्गिट्यूडनल वेव की हमें स्पीड निकालनी है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला बेस है। तो अगर स्पीड देखोगे, वेलोसिटी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो वो आता है रॉड में वाई अपॉन यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाई डेंसिटी। ये सिंपल सी बात है। तो यंग्स मॉडुलस 3.2 × 10^11 और डिवाइड कर दूं मैं 8 × 10^3 से अंडर रूट, तो ये डायरेक्ट फार्मूला बेस था। तो ये आ जाएगा 0.4 × 10^8 में से, और 3 8 3 11 8 अंडर रूट, तो इसको तुम लिख सकते हो तो 40 × 10^6 अंडर रूट, और तुम इसको लिख सकते हो 6.32 × 10^3 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन 3.6। ये वाले ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आसान सवाल था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।